हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपका ये टाटा प्ले ऐप ओपन नहीं हो रहा है या चल नहीं रहा है तो आप इसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए गाइस, फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है टाटा प्ले। इतना सर्च कर लेने के बाद आपके सामने ये ऐप ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ पर देख लेना है, ओपन ही लिख के यहाँ पर आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको अपडेट लिखा दिखता है तो आपको अपडेट पर क्लिक करके इस ऐप को अपडेट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको अपनी सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस का। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा आपके फ़ोन में मैनेज ऐप्स का। मेरे फ़ोन में आप देख सकते हैं सी ऑल ऐप्स का आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको टाटा प्ले ऐप को ढूंढ लेना है। तो चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा प्ले ऐप मुझे मिल चुका है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आपको ये सेटिंग्स ढूंढने में दिक्कत होती है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस टाटा प्ले ऐप के ऊपर 2-3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपके सामने एक ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले आपको परमिशंस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से ये सारी परमिशंस अलाउ कर देनी है। तो चलिए मैं फटाफट सारी परमिशंस अलाउ कर देता हूँ। सारी परमिशंस अलाउ कर देने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टोरेज एंड कैंची का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लियर कैंची पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको गाइस क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फोर्स स्टॉप का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोन एक बार रीस्टार्ट कर लेना है या आपको स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है। इसके बाद आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए थैंक यू।